गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंभू सर, योर मैथ टीचर। वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 10। सिंप्लीफाई फर्स्ट। व्हेन वी हैव थ्री अपॉन फोर रेस टू द पावर 3 एंड 4 रेस टू द पावर 2 into 1 upon 4 raised to the power minus 3 into 1 upon 8 raised to the power 3 4 raised to the power minus 3। चलिए देखें, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वन सॉल्व 3 upon 4 raised to the power 3 into 2 into 1 upon 4 raised to the power minus 1 by 3 and 1 by 8 into 4 raised to the power 3। यहाँ जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका कि x raised to the power m and whole power n equals to क्या होगा, x raised to the power m into n। इतना क्लियर है? Then और प्रॉपर्टी हमारा अप्लाई क्या होगा कि x raised to the power minus m equals to x raised to the power m। और क्या अप्लाई हो सकता है यहाँ प्रॉपर्टी? तो वी हैव पी अपॉन क्यू रेस्ट टू द पावर माइनस एम इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी रेस्ट टू द पावर एम। क्लियर? तो देखिए यहाँ टोटल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो ये हुआ आपका 3/4 रेस्ट टू द पावर 6 इंटू ये हुआ आपका 4/1 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 1/8 सैम 8 इज एंड 1/4। अब देखते हैं इसको ओपन करें तो 3 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। देन 1 4 4 4 6 टाइम्स। दैट वन हाउ मेनी टाइम्स, 3 4 टाइम्स। ये आपका 1 चल रहा है, 1 को पुट करें तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 8 1 अपॉन 8 इंटू 1 बाय 4 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 2 ये 4 कैंसिल हुआ। दैट वन हम यहाँ देखते हैं कि 3 रेस्ट टू द पावर तो कितना चल रहा है हमारा, 3 रेस्ट टू द पावर तो 6 है। क्लियर? 3 रेस्ट टू द पावर 6 एंड हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 एंड एट वी कैन राइट एट इक्वल्स टू 4 into 2। ठीक है, एट इंटू 4 into 2 तो 1 2 3 4 एंड 5 मीन्स 4 रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 2 2 रेस्ट टू द पावर 1। इट्स योर आंसर। क्लियर? ये आपका सिंप्लीफाई हुआ। और अगेन इवेल्यूट करना होता तो इसी में हम इसको क्या कर देते, 3 रेस्ट टू द पावर 6 को पावर 3 इंटू 3 इंटू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 3, 6 टाइम। सिमिलर 4 टू द पावर 5 ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11th। वी हैव गिवन3/5 / 5/2 (17/9) / 0। Then find the value of सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन पी अपॉन क्यू, फर्स्ट वन तो हमें पी अपॉन क्यू का वैल्यू अंडरस्टूड होगा, देन वन हम पी अपॉन क्यू रेस्ट टू द पावर माइनस 3 फाइंड कर सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू 3/5/3 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 एंड 17/19 होल रेस्ट टू द पावर 0। तो वी नो दैट एनी नॉन जीरो नंबर रेस्ट टू द पावर 0 मीन्स क्या, 1।
नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो जैसे लाइक दैट ए रेस्ट टू द पावर जीरो इक्वल्स टू वन, वेयर ए इज अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो इंटीजर समथिंग। तो देखिए हम पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू थ्री अपॉन फाइव। अब यहाँ से हम देखते हैं तो पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू वी हैव फाइव अपॉन पी रेस्ट टू द पावर माइनस टू। देन वन फाइंड क्या करना है, पी अपॉन क्यू रेस्ट टू द पावर माइनस थ्री, तो क्या होगा माइनस थ्री इक्वल्स टू फाइव अपॉन पी रेस्ट टू द पावर सॉरी होल पावर माइनस टू एंड रेस्ट टू द पावर माइनस थ्री। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, पी अपॉन क्यू रेस्ट टू द पावर माइनस थ्री एंड फाइव अपॉन थ्री रेस्ट टू द पावर थ्री टू जा सिक्स। इट्स योर आंसर। क्लियर? Thank you all of you.